हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, असलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, और एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर रोशद इनाम। वेलकम्स यू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट, और स्वागत करता हूं एल्डोल कॉन्डेंसेशन की इस थर्ड पार्ट में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन, जो कि सेम है क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन। दोनों वीडियोज़ के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। इंट्रा का यहाँ पर क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द वन, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अंदर दो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, या ऐसा कोई कीटोन है जिसके अंदर दो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन देते हैं इन फॉर्म्स ऑफ द इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करूँ तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, CH2, 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 CHO एंड CHO, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप या दो कीटोनिक ग्रुप हों। मैं यहाँ पर एल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी एग्जांपल देख लीजिए आप, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6-डाइअल, यानी कि दो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। पहला एल्डिहाइडिक ग्रुप फर्स्ट पोजिशन पर होगा, दूसरा आपका सिक्स पोजिशन पर होगा जब ये डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंट में रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी जैसे मैंने प्रीवियस दो वीडियोस में आपको बताया, ठीक है भाई। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा है और या अल्फा कार्बन है। इनके पास दोनों के पास क्या है भाई, दो दो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम ही तो डोनेट होता है, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। तो कोई भी अल्फा कार्बन अपना अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा और उससे जाकर जुड़ जाएगा एज इट इज, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। तो आपका जो प्रोडक्ट है बेटा वो बन जाएगा CH2, 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 ये एज इट इज था, लेकिन इस वाले कार्बन ने अपना एक हाइड्रोजन डोनेट किया है तो उसके पास क्या बच जाएगा भाई, CH, और इसके पास ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पर CHO। अब ये यहां पर जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इसके पास ये कार्बन है, एक OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक इसके पास हाइड्रोजन हो जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर अल्फा हाइड्रोजन डोनेट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप को, जिससे ये आपका एल्डोल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करूँ तो आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5। सो आपका सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो 2-hydroxy-cyclopentane-1-carbaldehyde, ठीक है, ये इसका IUPAC के अंदर नॉमन क्लेचर हो जाएगा। और बहुत आसान है, अगर आपने सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन को समझ लिया है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाकी मैंने इलस्ट्रेट कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। और कॉन्डेंसेशन का पिछले दो वीडियो है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। फाइनली आज हमने डिस्कस कर लिया है क्या होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही एग्जांपल आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को अपने जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, और फ्यूचर में आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिंक सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर रोशद इनाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।